What's going on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome, welcome back to the video. And guys, आज तुम्हारा भाई लेके आया फिर से मेगा रैंप चैलेंज. अबे मेरे को यार चिपका दिया भाई बगल में. तो भाई आज भाई जीतू का हट जाओ मेरे रास्ते से. अरे भाई ये क्या है? ओ शिट. अरे 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 भाई 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 आराम से ब्रो. ऑल राइट गाड़ी थोड़ा कंट्रोल में थी लेकिन अब पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. अरे नहीं भाई आराम से. ये गई. ओ नहीं बच गई. अरे नहीं ज्यादा देर तक नहीं बच पाई गाइस. भाई थोड़ा आराम से जंप कराओ भाई मेरी भी गाड़ी पलट गई भाई. अरे दोस्त तुम तो यार लक्षण तुम्हारे भाई बहुत सही लग रहे हैं यार. आज तुम हमसे आगे निकल रहे हो. अच्छा पीछे आ गया. व्हाट? मेरे को लगा ये आगे है. तो भाई मैं रिस्पॉन ले रहा था भाई पीछे कर दिया इन लोगों ने. अरे कोई ना दोस्त. लेकिन इस बार देखो गाइस चेक पॉइंट सामने ये जो रैंप है ना ये बहुत ज्यादा बंपी वाली रैंप है. तो इसके ऊपर यार बहुत चांसेस हाई आपके क्या बाउंस करके ना एकदम लेफ्ट राइट जा सकते हो. लेकिन कोशिश करो कि ना जाओ. आई मीन इतना चौड़ा रोड दिया है भाई लोगों ने. कहीं भी जाना है जाओ यार. तुम्हें नीचे क्यों जाना है भाई? ऊपर चले जाओ फॉर गॉड सेक. तो भाई आप तो पलटी मारते जा रहे हो भाई. अरे दोस्त ये सुपर कार के हालात खराब हो चुके हैं भाई. कंट्रोलिंग नाम की चीज नहीं इस गाड़ी में. देखो घूमना स्टार्ट कर दिया इसने. ओ भाई 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 हो गया सीधा हो गया. लेट्स गो भाई. बड़ा मुश्किल से सीधा हुआ है. इस बार इसको टेढ़ा नहीं होने दूंगा. अरे पैस की टैट. ओ हो गया लैंडिंग. लेट्स गो. पहले पहुंच गए नीचे. तो भाई ज्यादा पीछे नहीं हो. मैं भी आ रहा हूँ भाई. अबे फुटबॉल आ रहा है ऊपर से. गाइस ये किसका फुटबॉल गिर गया भाई? हेलो. तो भाई यार मैं नहीं मारा था. बहुत जोर से मारा था भाई. नीचे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे जा रहा है ये. मैं भी मारता हूँ. देखा फाइटर जेट से मारा गाइस. ए नुबड़े. अरे भाई इसको ठोकना चाहता था. मैं ही ठोक के मर गया. तो भाई बहुत तेजी में लाए हो यार फाइटर जेट. वो तो अच्छा हुआ कि आपको दिखाई नहीं दिया कहाँ पे होने. तो आप तो मेरी बैंड बजा देते फ्रॉस्ट भाई. अरे दोस्त बैंड तो अभी बजाएंगे लेकिन इस बार बैंड बाजा बारात लेके नहीं आए साथ में. अरे 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 आराम से ओके वो निकल गया. अब अपन लोग भी जाते हैं ऊपर. लेट्स गो. सुपर मोड ऑन कर दिया मैंने. यहाँ पे चेक पॉइंट दिख रहा है गाइस. क्या लगता है आपका फ्रॉस्टी भाई इस बार चौप को पीछे कर पाएगा? तो भाई क्या बात करो आप तो हर रेस में पीछे करते हो भाई. अरे हाँ मैं भूल गया था. व्हाट द हेल मैन. लेकिन लगता है इस बार चौप जो है फुल टू ट्रेनिंग लेके आया है भाई. इस बार यार लगता है ऐसा लगता है मेरे को कि वो जीत सकता है. तो वीडियो के एंड तक देखना क्योंकि आई एम प्रेटी श्योर वो जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है ना भाई उस हिसाब से वो जीत सकता है. क्योंकि गाइस अभी मेरे को भी वाला रैंप इतना डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन इस बच्चू ने ऑलरेडी चेक पॉइंट ले लिया और अब ये भैया जी फाइटर जेट लेके बहुत तेजी से आ रहे हैं. तो भाई मैं भी आपका फेवर रिटर्न करूंगा भाई. आपने मेरे को ठोका है मैं भी आपको ठोकूंगा. अरे दोस्त लेकिन मैंने कहा ठोका? मैं उल्टा खुद ठुक गया भाई तुम्हारे नाम पे. भाई आप छोड़ दिया भाई. ऐसे बोलोगे तब फिर दया आ गया आपके ऊपर. थैंक यू मेरे दोस्त. लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी. तुम्हें ठोक देना चाहिए था जब मौका मिला था. इसीलिए बोलता हूँ नूब लोग नूब ही रहते हैं. तो भाई जितना आगे जाना जाओ यार लेकिन मेरे को पीछे नहीं कर पाओगे भाई. अरे पीछे कर दिया दोस्त और गाड़ी पहुंच गई. लेट्स गो भाई. एक ही बार में पहुंचा दिया नीचे. पिछले बार के जैसा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ. ओके चलती जल्दी कैचअप करना पड़ेगा यार. चौप बस ज्यादा पीछे नहीं है एक ही चेक पॉइंट पीछे. और गाइस ये जो रेस है ना ये ज्यादा लंबी नहीं है इसीलिए अपन लोग जितना चाहे उतना स्टंट मार सकते हैं. देखो भाई कैसा लगाया. देखो यार नॉर्मल कैसे कौन जाता है भाई. अपन लोग ऐसे वॉल राइड करते हुए जाएंगे वो भी फाइटर जेट वॉल राइड करते. देखा आप लोगों ने कभी? ये हमारा स्वैग. ये बस दिखाता है गाइस कि कितने अच्छे पायलट है अपन लोग. अबे 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 चेक पॉइंट कहां गया? ओ शिट चेक पॉइंट ही मिस कर दिया मैंने पायलट गिरी दिखाने के चक्कर में. अबे कैसा नूब पायलट हूं भाई यार. अपना स्वैग दिखाने के पहले मेरे को चेक पॉइंट ले लेना चाहिए था. ओ भाई अभी पंखी टूटता मेरा. ओ शिट भाई मेरे को अपना प्लेन नहीं ठोकना है यार. ये हो ही नहीं रहा है मेरे से. रुको यार थोड़ा दूर से आते हैं. तो भाई आप तो बहुत प्रो पायलट बोल रहे थे भाई. अपने आप को सारा प्रोनेस निकल गया आपका एक ही बार में. अरे दोस्त वो थोड़ा सा टर्बुलेंस आया है. ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. तुम टेंशन ना लो अभी प्रोनेस दिखाएंगे आप तेरी ऐसी की तैसी. गाइस यहां पर यार फॉर्मूला 1 कार तो दे दी इन लोगों ने लेकिन नीचे गिर गया. चलो 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 अब टाइम है फुल स्पीड में जाने का. फॉर्मूला 1 कार. गाइस आपको पता है मेगा रैंप के ऊपर जो फॉर्मूला 1 कार होती है सबसे बेस्ट कारों में से एक है गाइस. क्योंकि इसका स्पॉइलर जो है इसको नीचे बरकरार रखने में मदद करता है. मतलब एकदम रैंप से चिपक के चलती है. देख रहे हो अभी तक कोई और गाड़ी रहती ना भाई सातवें आसमान पर पहुंच गई रहती ठुक्कर ठुक्कर मार मार के. लेकिन अपन लोग यहां पर एकदम चिपक के चल रहे सांप के जैसा. और ये सब कुछ हो पा रहा है जस्ट बिकॉज फॉर्मूला 1 भाई इतनी तेज चलती है. ऊपर से गाड़ी का वजन इतना हल्का होता है ना इसको हल्का बनाया जाता है ताकि गाड़ी जो है बहुत तेज चल सके. अगर ये भाई इतना अच्छा एरोडायनामिक्स के साथ ये लोग नहीं डिजाइन करेंगे तो लिटरली ये गाड़ी हवा में चलते चलते उड़ जाएगी. मतलब जेट प्लेन देखा है ना आपने कैसे टेक ऑफ करता है रनवे पे भाई ये वही वैसा ही पावर है भाई इसके अंदर. वो तो मिरेकल है भाई कि अपन लोग यहाँ पे इसको मेगा रैंप पे लेके आओ. जीटीए में किसी तरह से इन लोगों ने भाई बहुत अच्छा काम किया है भाई. मतलब इतना फिजिक्स तो भाई मैंने अपने पूरे 9th 10th के सिलेबस में नहीं लगाया था जितना इन गेम डेवलपर्स ने इस गेम में लगा दिया.
गया गाइस। तो भाई हो गया भाई, मैं आपको पीछे कर दूंगा भाई, आप तो रेस समझाने में लग गए। अरे दोस्त, रेस समझाने से क्या होता है, अपनी प्रोनेस का सबूत दे रहा हूँ। तुम ऐसे लड़के हो जो भाई क्वेश्चन सॉल्व करके टीचर को बता नहीं पाता है क्वेश्चन सॉल्व किया तो किया कैसे, लेकिन अपन लोग ऐसे लड़के जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टीचर को ही एक नया क्वेश्चन देते, समझ रहे हो बाप। तो भाई क्या बोला है, रियल टीचर के सामने तो आपकी हवा टाइट हो जाती है भाई। अरे अरे देखो ये सच्चाई भाई वीडियो में नहीं बता रही थी दोस्त, तुम सारी चीजें यही खोल दो, भैंस के आंखों को तुम्हें बताता हूँ घर चल के। तो भाई आप तो गुस्सा हो गए भाई, चलो आपको चाय बिस्कुट खिलाऊंगा भाई। ये हुई ना बात, लेकिन देखो चाय बिस्कुट बहुत ज्यादा सस्ता नहीं हो गया दोस्त? मतलब इतना बड़ा तुम्हें मैं पनिशमेंट देने वाला था बेइज्जती करने के लिए भरी सभा में, तुम मेरे को चाय बिस्कुट पे पोट रहे हो भाई। थोड़ा थोड़ा बजट ढीला करो भाई, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, यूट्यूब मनी तुम्हें मिल रहा है। तो भाई 2 रुपया पर वीडियो मिलता है भाई, उसको यूट्यूब मनी बोलते हैं भाई। अरे दोस्त तुमको क्या चाहिए भाई, इतने में तुम्हारा यार महीने का 60 रुपए का चिकन लेग पीस आ जाता है। चलो आज तुम भाई कटिंग चाय नहीं, आज तुम फुल चाय पिलाओगे, समझ रहे हो भाई। ठीक है भाई, लूट लो भाई, गरीब आदमी को लूट लो, आप छोड़ोगे नहीं फ्रॉस्ट भाई। ऑल राइट गाइस, आज होगा पार्टी, आज चॉप अपने को पार्टी देगा भाई। आज फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ हम लोग यहाँ पर जाएंगे एक ढाबे पे और कटिंग चाय नहीं फुल चाय पी के आएंगे, समझ रहे हो भाई। यार फुल चाय लेकर बहुत महंगी आती है, सोच लो भाई उसके बाद मैं 1 महीने तक चिकन लेग पीस नहीं खा पाऊंगा। अरे तो मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ता है, तुम खाओ नहीं खाओ, मेरे को रेस जीतने दो, हटो सामने से, हटो दोस्त, बहुत तेजी में आ रहे, तुम्हें ठोक वोक देंगे, तुम फिर बोलने लगो फ्रॉस्टी भाई चीटिंग करते हैं। वो बहुत कैचअप कर लिया यार इस बंदे ने, 1 सेकंड अबे तेरा भी चेक पॉइंट मिस हो गया क्या फ्रॉस्टी भाई। बेर ये फाइटर जेट क्या बना लोगों ने भाई, कंट्रोल ही नहीं होता, कहा ले जाओ तो सर समझ में ही नहीं आता। अरे मेरे को भी नहीं समझ में आता, अरे भाई पेड़ में घुसा दिया यार, समझ में नहीं आता है, ये समझ में आया लेकिन फिर भी प्लेन को क्यों पेड़ में घुसाया। चल कोई ना, अबे तेरे को अभी तक नहीं मिला भाई, थोड़ा ढंग से चला ले यार, अभी तक कैसे नहीं मिला इसको गाइज। तो भाई मैं चेक पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, बार बार उसके ऊपर से चला जा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा ना चेक पॉइंट जो है राइट की तरफ है, मतलब मेरा राइट यानी तेरा लेफ्ट है, तो इसलिए आराम से जा चेक पॉइंट मिल जाएगा। राइट तो भाई मिल गया लेकिन आपको नहीं मिला भाई। अरे यार मेरा मिस हो गया गाइज, ये अब डेली का हो गया है भाई। ये लोग इतना मुश्किल चेक पॉइंट बनाते हैं, मतलब मेगा रैंप चैलेंज इतना मुश्किल नहीं है जितना चेक पॉइंट लेना मुश्किल है। लेकिन टेंशन ना लो, आपका फ्रॉस्ट भाई ऐसे छोटी मोटी चीजों पे हार नहीं मानता। और लुक एट दैट, ओ चीटिंग कर लिया क्या हम लोगों ने भाई। हो सकता है अगर मैं लैंड कर गया ना गाइस, बस लैंड कर जा, मैं कर रैंप के ऊपर लैंड कर जा। ओ नहीं, लैंड नहीं हो पाया। अगर लैंड हो जाता भाई तो सोचो आधी रेस तो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते अपन लोग। तो भाई लेकिन वो चीटिंग नहीं होती। अरे चीटिंग होती, लेकिन चीटिंग कैसे होती भाई, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज का उपयोग किया तो उसको तुम चीटिंग बोलोगे? मतलब कोई आदमी यार एक बॉल पे 6 रन मार दे तो उसको तुम चीटिंग बोलोगे, कंपेयर टू एक बंदा जो एक बॉल में 4 रन मारे? भाई यार तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाते हो। तो भाई रुको, मैं अपने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता हूँ भाई, बहुत तेजी से जा रहा हूँ आपको पीछे करने के लिए। अरे मेरी गाड़ी यार एक जगह पे चल ले तो फिर क्या भाई, चमत्कार नहीं हो जाएगा? देख लो यार मेरे को 2 बार गिरा दिया इन लोगों ने, अब ये चौप का बच्चा भाई सेम चेक पॉइंट पे आ गया है। गाइस कैचअप तो असली लाइफ में ये खेल रहा है भाई, इस बार नीचे पहुंचा दे तो देख लियो भाई मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये चौप बहुत तेजी में आ रहा है भाई, अपने को पीछे कर देगा, ये मजाक नहीं कर रहा हूं गाइस। तो भाई यार गाड़ी देखो भाई कितनी तेजी में ले गया हूं मैं। अरे व्हाट द हेल, अबे तू सेम चेक पॉइंट पे लेके तूने एग्जीक्यूट कर दिया। गाइस देखो मैं जो जंप करना चाह रहा था चौप ने हो गया भाई, चौप का हो गया वो। अरे यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं है? तो भाई लगता है आज मैं पहली बार सदियों में पहली बार जीतूंगा रेस भाई। अरे यार मेगा रैम जैसे टट्टी चैलेंजेस से क्यों जीतता है ये बंदा जो किस्मत में एप्लीकेबल रहते हैं। तो भाई किस्मत हो या प्रोग्रेस हो भाई, अपुन जीत रहा है आज पहली बार। गाइस लाइक मारो यार, सब्सक्राइब मारो चैनल पे गाइस, जल्दी मारो, 5 मिलियन सब्सक्राइबर का गोल रखता है भाई अपने को। ओए भाई मेरा डायलॉग है, देख रहे हो आज जीत रहा है भाई, डायलॉग छीन लिया, कल चैनल छीन लेगा। कुछ दिन के बाद सिर्फ चौप आएगा गाइस वीडियो में, फ्रॉस्टी भाई तुम्हें नजर नहीं आएंगे क्योंकि इस कमबख्त ने हमें यही सुला दिया भाई, हमारी दोस्ती का हमें पीछे करके चला गया। बताओ यार चौप भाई हमेशा नूब का टैग हासिल करता है यार, अपन लोग प्रो रहते हैं लेकिन आज ऐसा उल्टा कैसे हो गया गाइस। तो भाई आपने मेरे को बहुत बुली किया है, भगवान ने बोला आप बस बहुत हुआ बेटा, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, आज मैं तेरे को दंड दूंगा। अबे दंड दूंगा भाई, मैंने कौन सा पाप किया भाई, तुम नूब हो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं क्यों पापी भाई, मतलब वाह गलती करो तुम, पाप सहू मैं, ये सही है। और वो देखो कहां निकल गया, यही प्रो बनेगा तू भाई, नूब आदमी लेफ्ट की जगह राइट जा रहा है। बताओ गाइस और मेरे को ये पाप का सजा देगा, सही है भाई। देख लो गाइस ऐसे लोग आ जाते हैं मुंह उठा के रेस कर रहे और उसके बाद दुनिया हमें खराब बोलती है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे अरे भाई रुका क्यों, कहां से, मतलब जब ब्रेक बोलो तो लगती नहीं है इस गाड़ी के अंदर और जब ना मांगो तो लग जाती है। अब ये देखो पागलों के जैसा चलाते हुए ले जा रहा है, लेकिन इसका किस्मत इतना अच्छा है ये पक्का लैंड करा के भाई चेक पॉइंट ले जाएगा। सारी बदकिस्मती ना जाने हमारी जिंदगी में काहे आ गई थी भाई यार, हमारा दर्द काहे नहीं
खत्म होता है चौप तो भाई आपका दर्द तब खत्म होगा जब मैं आपको डीएनएफ दूंगा भाई। अरे दोनों पलटी खा रहे हैं। अरे नहीं 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 तो गिराना मत मैं सही में रेस हार जाऊंगा भाई। एकदम इतना पास आ गया। अरे निकल गया गाइस। देखा आप लोगों ने चौप के पास सेम गाड़ी थी भाई जो हमारे पास है और चौप अपने से पहले पहुंच गया। इसका मतलब जानते हो दया, इसका मतलब है कि कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, क्योंकि गाइस एक ही चेक पॉइंट और बचा है इसके बाद, उसके बाद यार सीधा फिनिश लाइन है। सो आई थिंक यार इस रेस में हम लोग हार जाएंगे गाइस। मतलब मैं गिव अप नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां चौप इस बार बहुत अच्छा रेस कर रहा है गाइस, मानना पड़ेगा। फ्रॉस्ट भाई मैं अपनी आंखों और कानों पर सही यकीन नहीं कर पा रहा हूं भाई, आप मेरी तारीफ कैसे कर रहे हो फ्रॉस्ट भाई। अगर आप नॉर्मल फ्रॉस्ट भाई होते तो आप मेरे को बोलते क्या नूबड़ा है, कैसे जीत गया, तेरी किस्मत में नहीं लिखा, चूजे कहकर निकल गया। अरे चूजा कब बोला भाई मैंने तेरे को भाई? कुछ चीजें कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देता है भाई, बेइज्जती करता है मेरी। ये देखो मैं भी चौप का ही लॉजिक अपना रहा हूं। अरे आराम से घंटा ले जाओ, मेगा रैंप पे कुदाओ भाई, किस्मत के सहारे छोड़ दो। देखो ये नूब, देख रहे हो वो जो कहावत कही गई है ना गाइस, किस्मत मेहरबान तो एक गधा भी पहलवान। आज मैंने देख लिया भाई। तो भाई बोलना चाहता हूं मैं गधा हूं भाई और बिना किस्मत का आपको हरा नहीं पाऊंगा मैं। आप ये बोलना चाहता हूं फ्रॉस्ट भाई, आ जाओ भाई अगली रेस में बताता हूं आपको। अरे अरे दोस्त तुम तो सीरियस ले लिया भाई, मजाक कर रहे थे यार, एक रेस जीत जाओ, बार बार मत जीतो यार। देखो जीतना एक आदत मत बनाओ, समझ गया, ये एक बीमारी है, इससे जल्दी जल्दी निकलो। तो भाई आप तो बहुत अच्छे से हंस कर रहे हो भाई इस बीमारी में, मेरे को यार मना क्यों कर रहे हो भाई? अरे रुक जा। अरे इसको मारना चाहता था मैं यार, एक ही तो मौका मिला था गाइस, अगर इस बार मार देता ना तो हमारा कंपटीशन खत्म हो जाता। तो भाई आप मेरे को रास्ते से हटा करके यार रेस जीतना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए, मेरे जैसा नूब आदमी आपको इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई? अरे खतरनाक का तो नहीं पता दोस्त, लेकिन एक सिक्सर मार के तो जरूर जाएंगे। सही में लग गया भाई, बाय बाय मिस्टर, सी यू नेवर। तो भाई आपने तो बहुत जोर से मारा है, लेकिन पहले ही बता दूं आपसे आगे हूं तो आज फिनिश तो मैं करूंगा, चाहे एक सेकंड हो या एक सेकंड से कम क्यों ना हो। ओहो कॉन्फिडेंस देख रहे हो छोरे का भाई, यार मेरे को चेक पॉइंट दे दिया करो भाई तुम लोग एक बार में, एक तो ऐसे ही गले का पानी नहीं उतर रहा। ये देखो भाई तुम यार सही से क्यों नहीं चेक पॉइंट देते हो? तो भाई इस गाड़ी के अंदर बूस्टर का इस्तेमाल करके जा रहा हूं फिनिश लाइन को छूने, मिलता हूं आपसे अगले जन्म में। अरे अगले जन्म में नहीं, मैं भी आ रहा हूं भाई। उस शिट चौप आधा रैंप पार कर चुका है गाइस, एंड इस बार उसका पक्का हो जाएगा, हमें उसको रोकना ही पड़ेगा। ऊपर से ये गाड़ी तो 100% सर्टेनिटी के साथ आपको फिनिश लाइन ला के देगी। चल 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 चल। अरे भाई क्यों रुकी भाई, रुकने के लिए किसने बोला था इसको? जल्दी बूस्टर, वी कैन स्टिल डू दिस गाइस, देखो फिनिश लाइन वहां पे। तो भाई मेरा भी बूस्टर आ गया भाई, चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय गाइस, फर्स्ट प्लेस पहली बार। अरे नहीं एक सेकंड से जीत गया, डैम इट गाइस, देखो एक सेकंड भी नहीं है भाई, कितना दिखा रहा है चौप तेरा? तो भाई मेरा 12 मिनट 7 सेकंड, तो 6 सेकंड दिखा रहा है, 6 सेकंड 500 सेकंड कुछ ऐसे दिखा रहा है। अबे 1 सेकंड के आधे हिस्से से जीत गया गाइस ये। चलो मिलते हैं यार अगली वीडियो में गाइस, चौप बहुत लकी हो गया, चौप ओपी लिख दो कमेंट्स में। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, वीडियो पसंद आई लाइक करो एंड बाय बाय।